टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया को 3,000 करोड़ का लोन चाहिए। इसके लिए वो कई बैंकों के साथ बातचीत कर रही है। इस लोन के पैसे से एयर इंडिया लीज पर लिए जाने वाले विमानों के लिए डाउन पेमेंट चुकाएगी। ये लोन उस पूंजी से अलग होगा जो टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया में निवेश किया है। ऐसा माना जा रहा है कुछ बैंक एक साथ मिलकर एयर इंडिया को ये लोन दे सकते हैं। फरवरी में एयर इंडिया ने 470 विमान खरीदने का ऑर्डर दिया था। इनमें से 250 विमान यूरोप की कंपनी एयरबस से और 220 विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग से खरीदे जाने हैं। इन 470 विमानों के एवज में एयर इंडिया को करीब 70 अरब डॉलर चुकाने हैं। इन 470 विमानों में नैरो बॉडी और वाइड बॉडी दोनों ही तरह के विमान शामिल होंगे। एक ही खेप में विमान खरीदने के लिए ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्डर है। अब वाइड बॉडी वाले विमान तो एयर इंडिया सीधे खरीद सकती है, लेकिन नैरो बॉडी वाले विमान सेल एंड लीज बैक मॉडल पर खरीदे जा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बैंक एयर इंडिया को आसानी से कर्ज दे देंगे। क्रिसिल रेटिंग्स ने जून में एयर इंडिया को बैंक कर्ज सुविधा की ट्रिपल ए रेटिंग दी थी। वित्त वर्ष 2023 में एयर इंडिया का राजस्व बढ़कर करीब 37,928 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि इस दौरान एयर इंडिया को 11,216 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। टाटा ग्रुप ने साल 2022 के जनवरी महीने में एयर इंडिया को खरीदा था। एयर इंडिया और टाटा समूह की ही दूसरी एयरलाइन विस्तारा को मर्ज करने की घोषणा की जा चुकी है। साल 2024 तक इस मर्जर के पूरा होने की उम्मीद है और इस मर्जर में सिंगापुर एयरलाइन की 25.1% हिस्सेदारी होगी। एयर इंडिया ने 10 अगस्त यानी गुरुवार को नए लोगों को भी पेश किया है। दिसंबर 2023 से ये नया लोगो एयर इंडिया की ब्रांडिंग में दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इसे A350 विमान पर इस्तेमाल किया जाएगा। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा है कि एयर इंडिया के परिचालन में AI और मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा।